सभापति महोदय, पहले तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। इनफैक्ट नागौर मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है और नागौर भारत में इसलिए ज़्यादा जाना जाता है कि पंचायत राज की स्थापना नागौर से हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को की। पंचायत राज में पहले थ्री टीयर सिस्टम था, अभी भी वही है, परंतु पंच और सरपंच के अलावा बाकी लोग इनडायरेक्ट चुने जाते थे। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है, वार्ड बनाए गए हैं और उनका चुनाव होता है। चुनाव होने के पश्चात में पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबरों के पास में काम नहीं रहता। कारण यह है कि अधिकतर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, दे आर बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू द पंचायत वार्ड मेंबर्स एंड द सरपंच और द पंचायत समिति प्रधान, नॉट थ्रू दीज मेंबर्स। ये सामान्यतः सभी लोगों में, अभी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमे तो लोगों की एक डिमांड थी कि हमारे पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर्स का केवल जिला प्रमुख और प्रधान को चुनाव तक ही सीमित रह गए हैं, उसके बाद में छठे चौमासे मीटिंग होती है और मीटिंगों के पश्चात कोई हमारा पूछ नहीं होती। लिहाजा मेरा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जी से निवेदन है कि एक निश्चित रूप से ये जो मेंबर हैं पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर हैं, इनको जैसे एमपी लेड एमएलए लेड होता है, ऐसे टोकन स्वरूप राशि 10 लाख और 15 लाख और 20 लाख पर ईयर कुछ दिया जाना चाहिए ताकि ये अपने क्षेत्र में कुछ काम करा सके और इनके पास में कोई काम रहे। यही मेरा अनुरोध है कि ये पंचायत राज मंत्री जी इस प्रकार की कुछ व्यवस्था करें जिससे कि पंचायत समिति के जो मेंबर्स और जिला परिषद मेंबर्स को भी कुछ काम मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।